मैं पुष्पेंद्रवर्धन दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये मैथमेटिक्स का लेक्चर रहेगा और मैथमेटिक्स में जो है हम परसेंटेज के बारे में जो है आज जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे यदि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये गलत नहीं होगा, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है परसेंटेज का जो है ये फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है इस पर जो है हम चलेंगे। तो एक मिनट, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं कि यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के जो है वो 30% के बराबर है तो आपको बताना है कि x कितना y का मतलब प्रतिशत है, y मतलब x का कितना प्रतिशत है, y मतलब y x का कितना प्रतिशत है, ये जो है इस आंसर में यहाँ पे जो है हमको उत्तर देना है, इसके बारे में जो है यहाँ पे हमको उत्तर देना रहेगा। तो देखिए हम x और y का जो है प्रकार से प्रतिशत निकालेंगे कितना है कि या नहीं उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो दे रखे हैं वो x माइनस वाई जो दे रखे हैं वो 50%, तो इसको हम गुणे में लिख लेते हैं 50%, और आगे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू ये सॉरी इसका भी मल्टीप्लिकेशन है वो 30% के साथ, 30% के साथ है तो दोनों तरफ प्रतिशत है तो प्रतिशत प्रतिशत हम कैंसिल कर देते हैं तो कुछ नहीं बचता दोनों तरफ, ठीक है प्रतिशत हटा देते हैं, या तो 100 इसके नीचे आएगा 100 और इसके नीचे भी आएगा 100 तो दोनों तरफ से 100 हटा देंगे, उसका कोई मतलब रहता नहीं है, तो ये जो है हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचता है x माइनस वाई और इधर जो बचता है x प्लस वाई, ठीक है इस x प्लस वाई को इधर ले आएंगे और इस 50 को उधर भेज देंगे, तो 30 यहाँ पे था तो 30 हमने लिख दिया और यहाँ पे 50 था तो इसको हमने 50 लिख दिए, ये 30 है, इनका 0 0 कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद में यहां से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक रूल होता है उस रूल के थ्रू हम इसको जल्दी से जल्दी मतलब सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हम x प्लस वाई को ऊपर ले जाएंगे, तो x प्लस वाई को हमने ऊपर लिख लिया और x माइनस वाई को जो है हमने नीचे लिख लिया, जैसे ही हमने इसको नीचे और ऊपर लिखा तो नीचे इधर की भी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये 5/3 हो जाएगा 3। एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जो एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल मतलब डिवीजन वाला एक प्रकार से रूल होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो हिंदी में कुछ भी बोलते हैं आप इसको याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा एक्स अपान वाई इज इक्वल टू ए अपान बी अगर जो दिया है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से हम इसको लिख सकते हैं, डिविडेंडो रूल से एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, जो प्रोसेस यहां करते हैं वही प्रोसेस इधर भी करते हैं और दोनों तरफ प्रोसेस जो है वो सेम रहती है, उसी फॉर्मूले को हम इसमें यूज करेंगे। यदि आप चाहें तो जल्दी से जल्दी यदि आपको दिमाग में आ रहा हो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं x प्लस वाई यही फैक्टर दिख रहा है ये वाला फैक्टर तो इसको जो है आप बना सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में, लेकिन यदि आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो यही वाला फार्मूला बनाइए, इसी को मान लीजिए x प्लस वाई को इसको मान लीजिए कैपिटल x, x माइनस वाई को इसको कैपिटल y मान लीजिए, ठीक है क्या मानेंगे कैपिटल y, देखिए x प्लस वाई है इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लिखेंगे x प्लस वाई, इसको कैपिटल x मान लिया था प्लस बीच में साइन है प्लस का प्लस लिखा, अब y की जगह पे लिखेंगे x माइनस वाई, टोटल है कैपिटल y तो कैपिटल y को x माइनस वाई हम लिख सकते हैं अपान नीचे लिखा, यहाँ पे फिर हमने लिख दिया x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस साइन लगेगा उसके बाद ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू इधर भी वही चलेगा 5 इधर था x a अपान b तो a अपान b 5 प्लस 3 अपान 5 माइनस 3 ये रूल चलेगा, ये करने में हमको इतना टाइम लगा क्योंकि आपको बता रहे हैं वैसे यदि आप करेंगे तो इसको बहुत जल्दी जो है सॉल्व कर देंगे इस रूल से। अब देखिए इसको इसमें हमें यहाँ पे जगह नहीं मिली है तो इसको हमें यहाँ पे साफ करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से जो है हम यहाँ से हटा देते हैं,
इतना इसको जो है हमें जरूरत नहीं है इस समय, ठीक है, इसको जो है हम रिमूव कर दिया। और हमने जो वैल्यू निकल आई है वो यहां से देखे एक्स माइनस माइनस वाला कट जाएगा, ये मिलके 2x बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 2x। ये देखिए x और माइनस का, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहां से x x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y बन जाएगा, ठीक है, अपॉन 2y इज इक्वल टू जो आ जाएगा 5 और 3 कितना होता है 8 हो जाता है, नीचे जो कितना बच जाएगा यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2 बच जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन y इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 8/2, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में x y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो इसको y के टर्म में हम ले जाएंगे तो y को उधर भेज देंगे। अब इसका जो नीचे वाली वैल्यू है इसका भी हमको कोई यूज नहीं रहा यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं और y को जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे y हमने लिख दिया तो y इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो y को इधर भेज देंगे और 8/2 को इधर भेजेंगे, तो 2 को इधर भेजेंगे और 8 को नीचे जाएगा, 8 नीचे जाएगा 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो y को ऊपर या उसको उल्टा कर दीजिए, जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे तो y अपॉन x हो जाएगा और बराबर 8/2 यहाँ पे जो हो जाएगा 2/8 हो जाएगा, ठीक है। x को उधर भेज दीजिए, x को जैसे ही हम उधर भेजेंगे, यहाँ से x को हम हटा रहे हैं, x को हमने यहाँ से गैप कर दिया, ठीक है, x को इधर से हमने हटाया और x को हमने उधर भेज दिया, ठीक है। अब ये परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो परसेंटेज को चेंज किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में बनाने के लिए उसको जो है 100 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है, यही करना पड़ता है, तो यह यहाँ पे भी हम करेंगे। तो इसको जो है प्रतिशत की बात किए थे, तो एक्स जो है वाई का कितना प्रतिशत है, सॉरी वाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत है, तो वाई कितना प्रतिशत है ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, वाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत है, दोनों तरफ परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो परसेंटेज का साइन का मतलब नहीं, दोनों तरफ 100 से 100 से इधर देखिए यहाँ पे 2/8 है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर x ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो है x हम ले लेंगे और इधर हमने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी वैल्यू को जो एक प्रकार से यदि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो परसेंटेज साइन दिखाने लगती है, तो ये आ जाएगी वाई परसेंट, ठीक है। अब ये जो है 2 से कट जाएगा, 4×8 होता है, ये 25 टाइम हो जाएगा, तो y परसेंटेज कितना है 25% है, y जो है वो x का 25% जो है वो वैल्यू बता रहा है, ठीक है। y x का कितना प्रतिशत है, y जो है वो 25% x का मान जो है बता रहा है, और ये कहीं पे दिख जाए ऑप्शन में यही इसका जो है सही आंसर बता देना और बाकी कुछ नहीं, ये जो है इसका सही आंसर होगा। प्रतिशत के बारे में हम जान रहे थे तो प्रतिशत वाले क्वेश्चन देख रहे हैं आज हम। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की आय 10%, बी की आय का जो है 15%, सी की आय का 20% बराबर है, तो आपको बताना है कि कुल आय का योग जो है यहाँ पे कितना दिया 78 है, तो बी की आय बताना है। देखिये इसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, देखिए क्या तरीका है, ए की आय का 10%, ए की आय का जो है वो 10% निकाल लीजिए, ए की आय का 10%, बी की आय सम में प्रतिशत दिया, प्रतिशत का काम ही खत्म कर, बी की आय का जो है 15% और सी की आय का कितना बता रहे हैं 20%, इसको हम चेंज कर लेते हैं, किसमें डिवाइड कर देते हैं इसको इनके जो है एलसीएम से, इन तीनों का जो है एलसीएम देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे जो है 15 दिया गया है और यहाँ पे 20 दिया गया, इन दोनों का तीनों का एलसीएम निकलेगा 60, तो 60 से हम इसको डिवाइड कर दे तो हमारा सब कुछ काम आसान हो जाएगा। देखिए ये a बाय 6 हो जाएगा, ठीक है, ये a बाय 6 हो जाएगा और ये 15 का 4 गुना 60 हो जाएगा, तो ये b बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे c बाय कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जब कभी भी परसेंटेज मतलब कोई भी वैल्यू a अपॉन 6 बराबर b अपॉन 4 और c अपॉन 3 में दी गई है तो इसका जो है कांस्टेंट होता है वो k के इक्वल कर देते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6 के, b बराबर हो जाएगा 4 के, c बराबर हो जाएगा 3 के, ठीक है। तो a रेशियो b रेशियो c बराबर हो जाएगा, इसके नीचे जो वैल्यू डिवाइड में है
उसी के इक्वल चला जाता है, या ऐसे मान लीजिए या ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे करके रेशियो में करके निकालेंगे तो रेशियो में के सबसे कैंसिल हो जाएगा तो वही वैल्यू बच जाएगी, ठीक है, 643। अब यहाँ पे जो है टोटल वैल्यू 6 4 10 और 10 3 13 होता है, तो टोटल वैल्यू ए बी सी की वो 13 है, और लेकिन ऑप्शन में दिया गया है कि टोटल जो मतलब कुल आय उनकी है 7800 रुपये है, तो बी की आय बताना। बी जो है वो बीच में है, ये आप देख लीजिए, बी जो है बीच में है, बी की आय 4 है, और तो बी की बताना है, तो 13 जो है वो यूनिट जो है 7800 के बराबर बता रहे हैं। एक यूनिट निकाल लें, अगर जो चार एक यूनिट पता हो जाए तो 4 यूनिट पता कर सकते हैं, इसलिए हम एक यूनिट निकालें, तो 13 का 6 गुना होता है 78। अब बोले एक यूनिट हमको पता है तो 4 यूनिट कितने बराबर होगा, 2400 के बराबर होगा, तो 2400 जहीं पे आंसर दिखे वही सॉल्व सही कर देना, बाकी कुछ नहीं। तो ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत